हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप स्वेट प्रूफ जो मेकअप है वो कर सकते हो इस गर्मियों के सीजन में। स्वेट प्रूफ मेकअप करने का बस एक ही फंडा है, आपको बहुत ही लेस अमाउंट में जो प्रोडक्ट है वो लेने हैं और उससे आप स्वेटिंग से बच सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा मैंने प्राइमर लगाया जहाँ मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि वो भी ऑयल उसमें रहता है तो पोर फिलिंग प्राइमर था वो, मेरे थोड़े से पोर्स हैं इसलिए। देखा आपने फाउंडेशन मैंने कितना कम अमाउंट में अपने फेस पर लिया था, उसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैं थोड़ा सा कंसीलर लूँगी, थोड़ा सा मेरे आईज़ और लिड पर लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि मैं अभी स्किन केयर जो है अपना बहुत अच्छा करें, तो मेरी जो स्किन है वो बहुत अच्छी है तो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी नीड नहीं है। जहाँ ज़रूरत है मैंने वहाँ इसको लगा लिया। सो इसको ब्लेंड कर लेना है आपने अच्छे से इस तरीके से, आपको कॉम्पैक्ट के थ्रू आपके सेट से मैच करता हुआ कॉम्पैक्ट लेना है। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉम्पैक्ट ले लिया, अगर उसके थ्रू आप लोगे तो बहुत कम मात्रा में कॉम्पैक्ट भी यूज़ करना, एक ही लेयर पतली होनी चाहिए, इससे स्वेटिंग बहुत कम होगी। और सेटिंग पाउडर सेटिंग जो ये होता है स्प्रे होता है वो ज़रूर लगाना, ठीक है। उसके बाद अब मैं अपना यहाँ आईब्रो फिल करूँगी, तो आईब्रो फिलिंग के लिए मैंने वेट एंड वाइल्ड का लिया है, थोड़ा सा 350 अराउंड के नज़दीक है इसका प्राइस, बट बहुत अच्छा है, नेचुरल फिनिश देता है। अगर आप आईब्रो पेंसिल कोई लेना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा कॉस्टली है बट वही सजेस्ट करूँगी। तो इस तरीके से मैंने पाउडर ब्रश की हेल्प से अपना जो कॉन्टोर है उसको कर लिया, तो मुझे कॉन्टोर के यहाँ ज़्यादा नीड नहीं है क्योंकि देखिए कितना मैं कम अमाउंट में मेरे जो चेहरे की ओरिजिनल टेक्सचर है वो आपको क्लियरली दिख रही होगी। गर्मियों में आपको स्वेट प्रूफ मेकअप यही एक ट्रिक है जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पर मैंने कोरल पीच कलर का ब्लश ले लिया है जो कि काफ़ी अच्छा है गर्मियों के लिए भी, और विटिश कंडीशन आपकी है तो उसमें आपको पीच कोरल जो है वो बहुत अच्छा जाता है आपके फेस पर, जैसे कि मेरा खुद है, ठीक है। उसके बाद हाइलाइटर मैं लगा लूँगी, फिर उसके बाद अपने फॉल्सेस काइंड ऑफ पर्सन थोड़ा सा मैं नहीं हूँ तो मैं वॉल्यूमनाइज़र जो मस्कारा आता है वही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, ठीक है। सो उसके बाद मैंने जो आई शेडो है वो ले लिया अपना, बहुत ज़्यादा नहीं एक ही कलर लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है चारों तरफ। और अपने जो आईब्रोज़ के नीचे है वहाँ पर मैंने एक शैम्पेन कलर का जो है वो थोड़ा सा लगा लिया था एंड में, ये करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। और सेम जो आई शेडो का था उसी को मैंने थोड़ा सा अपने लोअर लैश पर भी अप्लाई कर लिया ताकि काजल जैसा दिखे। और बहुत ज़्यादा हमें गर्मियों में मेकअप करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उससे आपको स्वेटिंग होती है और आपका जो मेकअप है वो भी काला पड़ जाता है, ठीक है। तो मैंने लिपस्टिक यहाँ ली है, लिक्विड लिपस्टिक ली है, उसकी भी मैंने एक ही कोटिंग की है ताकि मैं जब खाना खाऊं या पीऊं शादी हो या विवाह में तो मेरी जो लिपस्टिक है वो नहीं जाए। मेरे बीच में मेरी बेटी आ गई बोली कि मुझे भी लगा दो, तो मैंने उसको किस करके उसको भी लगा दिया। तो इस तरीके से मेकअप आप देख सकते हो मेरा कितना सटल है और बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रहा और बहुत ही अच्छा लुक आया है, ठीक है। यहाँ आप मांटिका भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ बहुत मिनिमल प्रोडक्ट के साथ जो ज्वेलरीज वगैरह है वो भी मिनिमल ही रखे हैं क्योंकि काफ़ी गर्म है, टू बी ऑनेस्ट उतना कोई प्रेफर नहीं करता। फॉर मोर प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट प्लीज़।